हाल की ब्रिटेन की शोधकर्ताओं ने पाया कि डेक्सामेथासोन नामक दवाई दिए जाने पर कोविड के मरीजों की स्थिति में काफी तेजी से सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, जो मरीज गंभीर स्थिति में थे उनमें भी मृत्यु दर 35% तक घट गई है। ऐसे में ये दवा अब कोरोना मरीजों के लिए पहली लाइफ सेविंग ड्रग यानी जीवन रक्षक दवा के तौर पर उभरी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप और हम यही सोचेंगे कि कोरोना से जिंदगी बचानी, इस दवा की कीमत भी ऊंची होगी। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत में एक डेक्सामेथासोन की गोली महज 30 पैसे में मिलती है, यानी 10 गोलियों का पत्ता केवल 3 रुपए में। सुनकर चौंक गए ना? दरअसल डेक्सोना और इसी नाम से मिलती जुलती दर्जनों दवाइयां भारत में बेहद प्रचलित हैं, जिन्हें डॉक्टर लंबे समय से मरीजों को देते आए हैं। आमतौर पर इस दवा को डॉक्टर गठिया, दमा, शरीर के भीतर की सूजन या एलर्जी जैसे तकलीफों के लिए दिया है। सेप्सिस जैसी गंभीर मेडिकल अवस्था में भी इस दवा को दिया जाता है। भारत में इस दवा के 20 ब्रांड्स मौजूद हैं और यहाँ से ये दवा 107 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। भारत में इस दवा का बाजार 100 करोड़ रुपए सालाना का है। दवा कंपनियां इसे 3 रूप में बनाती हैं: टेबलेट, इंजेक्शन और ओरल ड्रॉप। असल में हाल ही में ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि दुनिया भर में बेहद सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा डेक्सामेथासोन कोरोना से संक्रमित और गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर इस दवा का इस्तेमाल ब्रिटेन में संक्रमण के शुरुआती दौर से ही किया जाता तो करीब 5,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने कोरोना मरीजों पर इस दवा का अध्ययन किया, जिसमें 2,000 मरीजों को ये दवा दी गई। ऐसे में जो मरीज वेंटिलेटर पर थे उनमें से इस दवा के असर से 40% से लेकर 28% तक मरने का जोखिम कम हो गया। जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी उनमें ये जोखिम 25% से 20% तक कम हो गया। ऐसे में शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि डेक्सामेथासोन इस प्रक्रिया को धीमी करने में असरदार पाई गई है। गौरतलब है कि ये दवा उन्हीं मरीजों को दी जानी चाहिए जो अस्पताल में भर्ती हों और जिन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर रखा गया हो। चूंकि ये दवा सस्ती भी है इसलिए गरीब देशों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस शोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम डेक्सामेथासोन पर हुई रिसर्च का स्वागत करते हैं जो कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर में कमी ला सकती है। हमें जीवन को बचाने और नए संक्रमण को फैलने से रोकने पर ध्यान देना होगा। ऐसे में ब्रिटेन में हुए इस शोध के बाद से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये दवा एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है।